Hello students, today we'll discuss the topic roots of federation. Roots of federation means that there are two ways in front of a country while establishing federal system. So federal system establish कर जब भी कोई country decide करती है कि उसको federal system establish करना है तो there are two ways, coming together and holding together. As you can see in the screen that there are two ways, there are two routes of federation. One is coming together and another is holding together. So this I will explain you with the help of an example. So students, ये जो दोनों roots है federation के, it's not like कि when a country gets independent then it decides कि हमारा coming together होगा या holding together. This thing entirely depends upon the historical circumstances. यानी कि एक country की historical क्या position रही है, क्या इश्यूज एक कंट्री फेस कर रही है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट. सो ओनली ऑन दैट इट डिपेंड्स कि कंट्री कौन सा रूट अडॉप्ट करेगी. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कमिंग टुगेदर फेडरेशन विद एन एग्जांपल ऑफ यूएसए, बिकॉज कमिंग टुगेदर फेडरेशन अभी राइट नाउ यूएसए में है तो उसके एग्जाम्पल के थ्रू वी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो वॉट वॉज द पोजिशन ऑफ यूएसए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? So all the states of USA were in equal position, their contribution in the freedom struggle was equal, सभी states ने equally participate किया था. So after gaining independence, when they were forming their constitution, so the representative of all the states, they all advocated, सब ने कहा कि हमारी powers बिल्कुल equal होगी और हम सेंटर के अंडर में काम तो करेंगे लेकिन सेंटर का हमारे वर्किंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. तो फेडरेशन क्यों बनता है? फेडरेशन इसलिए बनता है कि जो छोटे छोटे से जो स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी मिले. नहीं तो क्या होगा, अगर वो स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे तो वो इतने पावरफुल नहीं होंगे. अगर आज यूएसए के जो स्टेट हैं लाइक वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सो ये जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अगर ये आज इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इनकी कोई एज सच आइडेंटिटी नहीं होगी, ये इतने पावरफुल नहीं होंगे. लेकिन अगर ये सभी स्टेट्स ने मिलकर के यूएसए बनाया तो टुडे यू ऑल नो दैट यूएसए इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री. व्हाई? बिकॉज उनके जितने भी स्टेट्स हैं वो सब यूनाइट हो गए और यूनाइट होकर के उन्होंने एक सिंगल कंट्री बनाई है. तो एट दैट टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दे ऑल केम ऑन देयर ओन, अपनी मर्जी से आए, तो इसलिए उन्होंने अपनी पावर्स को रिटेन रखा, अपनी पावर्स को उन्होंने गिव अप नहीं किया. सो सेंटर का वहाँ पे रोल बहुत मिनिमम है. सेंटर का रोल सिर्फ ये है कि पूरी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को रन करना, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सिक्योरिटी देना, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग रखना. अदरवाइज स्टेट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, स्टेट्स अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली वहाँ पे करती हैं. तो सेंटर का स्टेट की वर्किंग में वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है. तो क्यों ऐसा कमिंग टुगेदर वहाँ पे फेडरेशन क्यों है? बिकॉज स्टेट्स वर इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो दिस वॉज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए. अब हम आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर पे. होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है इंडिया. इंडिया अडॉप्टेड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब इंडिया की सर्कमस्टांसेस यूएसए से डिफरेंट क्यों थी? वेन इन 1947 वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम आर सर्कमस्टांसेस वर नॉट सो फेवरेबल. यू ऑल नो दैट इंडिपेंडेंस वॉज फॉलोड बाय पार्टीशन. सो पार्टीशन के टाइम आपको पता है, आपने सुना है कि कितना एक्सट्रीम वायलेंस हुआ था. देर वर राइट्स, कम्युनल राइट्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम. हिंदू मुस्लिम दे बोथ वर फाइटिंग. वो एक इशू था. सेकेंड इशू that Britishers, when they left from India, they gave powers to the princely states. India में उस समय काफ़ी ऐसे areas थे, काफ़ी ऐसे regions थे जहाँ पर monarch system चल रहा था, kings का rule था. उन्होंने kings को बिल्कुल power दे दी, उनको कह दिया कि it's up to you whether you want to merge with India or not. तो आपकी मर्जी है, आप India में merge हो चाहे नहीं हो. तो there were various princely states who were not willing to merge in the Indian territories. सो अब ये इंडियन टेरिटरीज डिफाइंड नहीं थी, इंडिया के स्टेट्स की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं थी. कुछ स्टेट्स
का स्टेटस बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, कुछ स्टेट्स इंडिया की टेरिटरी में थी, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में रेवोल्यूशंस चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, आज जो स्टेट्स हैं वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे, सो दे वर ऑल इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम। राजस्थान में देर वर द रूल ऑफ राजपुतानाज की, जो किंग्स का रूल चल रहा था, हैदराबाद निज़ाम, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ही सेट कि मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा। सो आंध्रा वाला पूरा एरिया इंडिया के अंडर में ही नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर का केस अलग था, जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट था वो भी देवर ऑल्सो नॉट विलिंग टू मर्ज इन इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में हम कमिंग टुगेदर कैसे बनाते, सो एट दैट टाइम देर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग टुगेदर। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सो दिस वॉज द रीज़न कि सेंटर को पावरफुल बनाया गया, सेंटर को इसलिए पावरफुल बनाया सो दैट इट कैन मेक ऑल द टेरिटरीज यूनाइटेड। अगर सेंटर स्ट्रांग नहीं होता तो स्टेट्स में भी देर वॉज अ बिग पॉसिबिलिटी कि काफ़ी स्टेट्स के जो अपने अपने लीडर्स थे वो चाहते तो अपना अलग कंट्री बना लेते। मूवमेंट्स तो हो ही रहे थे इंडिया में, रेवोल्यूशंस तो हो ही रही थी, तो ऐसे जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो डिवाइड करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहे थे, उनको रोकने के लिए देर वॉज द नीड टू इस्टैब्लिश होल्डिंग टुगेदर। दिस वॉज द रीज़न दैट सेंटर वॉज गिवन मोर पावर देन द स्टेट। सो कमिंग टुगेदर यू नीड टू टेक केयर, सेंटर स्टेट दोनों इक्वल हैं और स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है, स्टेट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। आप इस फ्लो चार्ट में यू कैन ईजिली सी दैट हेयर सेंटर अलग है और स्टेट्स बिल्कुल अलग हैं, बट होल्डिंग टुगेदर में यू कैन सी कि सेंटर के कंट्रोल में, ये कंट्रोल शो कर रहा है कि ये सेंटर के या कंट्रोल में अंदर ये अलग अलग स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स की पावर कम है, सेंटर इज मोर डोमिनेटिंग। अब कमिंग टुगेदर में क्योंकि स्टेट कमिंग ऑन देयर ओन, सो दे हैव रिटेन्ड देयर आइडेंटिटी, इन्होंने सबने अपनी अपनी आइडेंटिटी और पावर को रिटेन रखा है और सेंटर का रोल स्टेट के रोल के इक्वल है। पर हमारे इंडिया में व्हेन वी डिस्कस दिस चैप्टर मोर फर्दर के आगे के जो टॉपिक्स में, देन यू विल गेट टू नो, अभी हम इंडियन कंटेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, देन यू गेट टू नो कि हमारे यहाँ सेंटर कितना स्ट्रांग है स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो ये हमारे सरकमस्टांसेस थे, उस समय के हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेस के लिए ये ज़रूरी भी था कि सेंटर को स्ट्रांग बनाया जाए। हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रांग बना तभी तो सारी टेरिटरीज आज हमारे पास है, अगर हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रांग नहीं होता तो शायद आज वो टेरिटरीज इंडिया के अंडर में नहीं होती। यू ऑल नो दैट हाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेटेड ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी पावर से उन्होंने इंडिया के सारी जितनी भी रीजन्स टेरिटरीज थी, उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको परसुएट किया, उनसे नेगोशिएट किया और फिर फाइनली इंडिया को इंटीग्रेट किया। इट दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर के पास कुछ एडिशनल पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी कि वो स्टेट को कंट्रोल कर सके, अदरवाइज देवर पॉसिबिलिटी, ये कहते हैं लोग कि अदरवाइज इंडिया के बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं, बहुत डिविजन्स, इंडिया बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और आज प्रेजेंट जो इंडिया है वो वैसा नहीं होता। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस, कमिंग टुगेदर स्टेट सेंटर पावर इक्वल, होल्डिंग टुगेदर सेंटर इज मोर पावरफुल एंड स्टेट इज लेस पावरफुल। और अब इसको, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, जनरली इट इज़ आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, सो जो पॉइंट्स हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, सो पॉइंट वाइज नाउ वी विल डिस्कस थ्रू द PPT। सो स्टूडेंट्स, एज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक रूट्स ऑफ फेडरेशन, सो नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। आप लोगों ने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नाउ पॉइंट वाइज जो डिफरेंस है दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, एज यू नो दैट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। So, coming together federation, independent states coming together on their own to form a bigger unit. So, as I told you the example of America, that वहाँ जब independence हुई तो independent state खुद से आए, एक bigger unit बनाई, एक bigger country में अपने आप को change किया, so that कि they become very powerful. Now, holding together, now if I talk about holding together, that large country decides to divide its power. Here, द पॉइंट इज डिवाइड, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है।
सो इट डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. सो हमारे यहाँ इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिया एज अ होल कंट्री, एंड देन इट डिसाइडेड कि क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो हम पावर्स को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, अलग अलग स्टेट्स में उनको डिवाइड कर दें, बट दे विल बी कंट्रोल ऑफ सेंटर. सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेट्स को सेंटर के इक्वली पावर नहीं दी जाएगी बिकॉज एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. सो दिस इज द रीज़न दे एस्टैब्लिश्ड होल्डिंग टुगेदर, सेंटर के होल्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया. सो हेयर फर्स्ट पॉइंट आई एम रिपीटिंग अगेन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग ऑन देयर ओन. सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट दे आर कमिंग ऑन देयर ओन, और हेयर लार्ज कंट्री, जो लार्ज कंट्री है इट इज़ डिसाइडिंग. यहाँ पे स्टेट्स डिसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट में, और यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है, कंट्री डिसाइड कर रही है कि उसको अपनी पावर्स को स्टेट्स के बीच में डिवाइड करनी है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इट इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी. सोवरेनिटी मीन्स दैट अगर कोई कंट्री सॉवरेन कंट्री है, इट मीन्स दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर्स. यानी एक कंट्री के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो उसमें तो वो इंडिपेंडेंट है. प्लस अब वो कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ले रही है उसमें भी वो इंडिपेंडेंट है. सो ये एक स्पेशल पावर्स है यूएसए के स्टेट्स के पास, कि यूएसए के स्टेट्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस भी मेंटेन कर सकते हैं. जबकि हमारे यहाँ आप लोगों ने डेफिनेटली इंडिया में ये नहीं सुना होगा कि राजस्थान ने किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ मीटिंग होल्ड करी, अमेरिका के साथ मीटिंग होल्ड करी. हमारे यहाँ जो भी फॉरेन पॉलिसी मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, स्टेट का उसमें कहीं कोई रोल नहीं होता. सो दिस शोज़ कि यहाँ पे इन द केस ऑफ कमिंग टुगेदर, पूलिंग ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी पावर को दोनों शेयर कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट दोनों शेयर कर रहे हैं. एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, रिटेनिंग आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि स्टेट्स की आइडेंटिटी बनी हुई है. स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर, सो दे हैव एबल टू रिटेन देयर आइडेंटिटी. सो स्टेट्स, उनके पास सोवरेन पावर भी है, उनके पास आइडेंटिटी भी है. But in the case of holding together, the central government tends to be more powerful than the states. So, यहाँ पे central government ज़्यादा powerful है. There is no pooling of sovereignty, and the states, they also cannot retain their identity. They are totally under control of the center. Now, next point is understood that All the constituent states have equal power. सभी states के पास equal power होगी in the coming together federation. But in the case of holding together federation, states may have unequal powers. तो ज़रूरी नहीं है कि states के पास भी सबके पास equal power हो. हम मैं अगर आपको इंडिया की बात बताऊँ तो इंडिया में भी states के बीच में variation है. जो powers JNK में कभी थी वो बाकी states को नहीं मिली थी. ऑल्दो अब तो अभी इसी सेम जो टेन्योर है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, इसी सेम टेन्योर में ये चेंजेस हुए हैं. ऑल्दो पर पहले 1947 से बहुत लंबे टाइम तक JNK को स्पेशल स्टेटस था. अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ का स्टेटस बाकी स्टेट्स के जैसा नहीं है. जो यूनियन टेरिटरीज़ इंडिया में है तो अनइक्वल स्टेटस हुआ क्योंकि उनकी पावर्स और स्टेट्स के कंपेरिजन में कम है. यूनियन टेरिटरीज़ पर सेंटर का कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होता है, स्टेट्स और स्टेट्स जैसे वो पावरफुल नहीं होते. अगर हम इफ़ आई टॉक अबाउट द हिली एरियाज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे भी कुछ स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ को, जो इंडिया के हिली एरियाज़ हैं उनको स्पेशल पैकेजेस दिए जाते हैं क्योंकि उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो इन द होल्डिंग टुगेदर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट स्टेट्स मे नॉट हैव द इक्वल पावर. Some are given special status, while some enjoy very less powers, like union territories, or special status like hilly areas. Although Jammu and Kashmir का तो special status हट गया, लेकिन hilly areas को अभी भी special status मिला हुआ है. So, again,
थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर इन द कमिंग टुगेदर एंड इन द होल्डिंग टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और द स्टेट्स मे हैव अनइक्वल पावर्स. Now finally, in the fourth point, you will write the examples. So example of coming together, USA, I had already told you. Then Switzerland and Australia, these two nations are also the example of coming together. Now the examples of holding together, India, you all know. And apart from this, Spain and Belgium. So these two countries also have holding together federation. So class, examples could be asked to you in one marker also. So examples आपको पता होने चाहिए, ये one marker question भी बनता है इन पर. So I hope you all have understood this topic. So thank you students.